वेरी गुड इवनिंग। शाम का 5:10 हो रहा है। मैं लेके आई हूँ दूध का पैकेट और अंकल के 25 रुपये देने थे मुझे, तो वो देख के आई कब के देने थे, भूल ही गई थी मैं देना। तो जाते जाते मैंने कहा कोई भी हिसाब छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो 10 रुपये का हो चाहे वो 5 रुपये का हो। और मैं वेट कर रही हूँ आंटी का, उन्होंने मुझे कॉल करा था कि वो आएंगी, उनका पैसा देना है। और ये हमारा घर, इसको निकालना है, वो जो ब्लू ग्रीन कलर का लगा हुआ है निकाल के आंटी को दे देंगे। और जो हमारी फोल्डिंग चारपाई है वो भारत ने बोला है, जो हमारे काम करते हैं रमा आंटी, कि उनको दे देना। वो ऊपर किसी के ना बेबी हुई है तो उसको उन्होंने ली थी वो, सो फिर हमने उनको बोल दिया कि आप आंटी को दे दीजिएगा, तो कह रहे ठीक है। एंड आंटी का वेट कर रही हूँ, मुझे लगा था वो आएंगी वो दूध ले आएंगी, लेकिन वो आए ही नहीं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और मॉर्निंग में आई थिंक सो वी विल गो। एंड अभी जो हमारे पास सामान है उसी के साथ खाना पीना कुछ नहीं बनेगा, बस चाय बनेगी। हम लोग इतना मन बना के आए, उनकी सीसीडी आएंगे तो सीसीडी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैं भूल गई थी उस दिन में हम लोग आए थे जब हमारे सब्सक्राइबर आए थे। तो अभी हम लोग आ जाएंगे बेटे, अल्फर वेटी वेटी हल्फर हल्फर में कोल्ड कॉफी यू विल घूम फिर के आ गए फिर से हॉलफर। हॉलफर का हमने सारा मतलब अकाउंट अपना ख़त्म कर दिया, जो हमारा अकाउंट यहाँ पे तो ऐसा मंथली पे करते हैं ना, तो अभी जो भी हम खाएंगे हमें उसका तुरंत साथ के साथ बिल देना होगा, क्योंकि हमने अकाउंट अपना यहाँ पे बंद कर दिया है। भारत का मन है कोल्ड कॉफ़ी पीने का, मेरे को मन है कि थोड़ी देर रिलैक्स होकर यहाँ पर बैठूँ, चाय पी रहा हूँ चाय। मैं कर रही हूँ पैकर्स एंड मूवर्स वाले भैया से बात, दो हमने डिसाइड करे थे यहीं से जो यहाँ का सामान पिक करते हैं। तो एक तो अराउंड 18,000 मांग रहे थे सामान शिफ्ट करने का, स्कूटी है साइकिल जो भी सारा सामान हमारा, और दूसरे मांग रहे थे 20,000। तो फिर अभी जिनसे हमारी बात पक्की हुई मैंने उनको वो बोला मैम एक बार सामान रिपीट कराना, तो मैंने कहा साइकिल स्कूटी एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन किचन का सामान थोड़ा सा घर का सामान थोड़े बहुत कपड़े वपड़े। तो कह रहे मैम आपने स्कूटी तो बोला था बट एसी और साइकिल नहीं बोला था आपने। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। और जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो जिस बंदे ने हमें कम पैसे बताए थे उसको हमने बताया ही नहीं था कि एसी भी है साइकिल भी, क्योंकि हम लोग इतने लोगों से बात करते हैं तो हम भूल गए बताना। तो अब वो बंदा और पैसे मांग रहा है, तो मैंने बोला भैया इतना तो नहीं हो पाएगा, 1,000 और कर लेती हूँ। तो कह रहा नहीं मैम इतना नहीं हो पाएगा। और जो जिस बंदे को मैंने पूरी कोटेशन भेजी थी वो उसी रेट पे मान रहा है जो जायज़ है जो ठीक रेट है। तो फिर मैंने उनको बोला तो कह रहा मैम कल और परसों तक आपका सामान हम नहीं उठा पाएंगे, आपने हमें पहले नहीं बताया। तो मैं फंस गई हूँ बहुत बड़ी दुविधा में। तो फिर मैं भारत से बात कर रही हूँ, भारत अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हैं ऑब्वियसली यार लास्ट वाला टाइम है, तो फिर होता है ना कि थोड़ा अपने दोस्तों के साथ बैठे, तो फिर वो वहीं पर बैठे हुए हैं और मैं फंस गई हूँ बहुत बड़ी दुविधा में। 2-3 बार मैंने उनको कॉल, मुझे अच्छा लगता है अगर भारत अपने दोस्तों के पास बैठे, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनको फ़ोन करके ऐसे बार बार परेशान करूँ, है ना। तो क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा है यार। सामान शिफ्ट कराना है, कल ही कराना है, क्योंकि फिर वही हिसाब किताब आ जाएगा इस रूम का, हमको 5 दिन के बाद कुछ और रेंट होता है, 10 दिन के बाद कुछ और रेंट होता है, तो बड़ा ये मैं फल लेके आई हूँ खाने के लिए, कई बार भूख लग जाती है यार। और दूध को रखना है फ्रिज में यार, और ये ना सारा सामान मुझे देना पड़ेगा कि कल तो पूरी पैकिंग हो जाएगी। मैंने पेमेंट भैया को कर दी, 1100 रुपये कल की बुकिंग हो गई है, अराउंड 9:30 और 10 AM भैया लोग आ जाएंगे, मतलब जो भी उनकी टीम है तो वो आके सारी पैकिंग कर देंगे। ये भारत मुझे मना करते रहते हैं यार, सामान ना बना ये ना ले वो ना ले, मैं मानती नहीं हूँ, फिर ले लेते फिर मुझे बड़ा दुख होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब होता है ना दुख यार। गुड मॉर्निंग, हम लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे थे इतना अच्छा लग रहा है यार। और रात को ना इतनी बारिश हुई कि मुझे पता चल रहा था कि बारिश हो रही है, और तूफान इतना था ना कि हमारा ये जो पीछे है ना ये लगा पूरा वो ऐसे फटने के उस पर आ गया। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको यहाँ से निकाल दिया था, क्योंकि ये डिश निकाल रही थी कल वाले,
पर फिर भी ना आगे घिस घिस के वो फटने वाला हो गया। टाइम 9:30 का है और 10 बजे मैंने शिफ्टिंग वालों को बुलाया है, तो आंटी अभी तक भी नहीं आई, नहीं तो वो आ जाती हैं सुबह सुबह ही। तो मैंने उनको कॉल करी 8:10, देखो अभी आती है कि नहीं आती है। अब मैंने देखी अच्छा है अंदर बनने के लिए। आपको हो गया गलती से, आंटी को कर रही थी फोन, आपके फोन पे आया ना, मेरी दो को ले आई। शिफ्टिंग से पहले क्या होता है ना कि सामान जो फ्रिज में पड़ा है उसको निकाल दो और फ्रिज बंद कर दे, क्योंकि सारा हमारा सामान है बचा हुआ। ऐसे बेसन का चिल्ला बना सकते हैं, बट अभी दिल नहीं कर रहा बनाने का, इसलिए चाय। इसके बाद फिर एक बार अगर हुआ तो चाय बन जाएगी। अच्छा घड़ी तो हमने निकाल दी, इसमें डालेंगे घड़ी, कितना टाइम बता रहा है, ऐसे 9:10, ऐसे 9:24-25 हो गए, बट ये 9:20 बता रही है। इस तरह से ना मैंने इसको पैक कर दिया। ये मेरा एक रैक था, ये वाला नहीं जो रैक, अरे यार ये वाला रैक, ऐसे वाला, इसके कंबल रख के इसको ऐसे करके हमने पैक कर दिया, और ये मेरे से निकल ही नहीं रहा था कल, तो फिर इन्होंने निकाला। मैं कर रही हूँ वेट पैकर्स एंड मूवर्स वाले भैया का, हम लोगों ने रात को 1100 रुपया उनको दे दिया था एंड उनको बुक कर दिया था, तो अभी 10 बजने में 5 मिनट हैं, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे पहले, फिर जब उन्होंने फ़ोन उठाया तब मेरे को अच्छा लगा, मैंने उन्होंने बोला कि भाग तो नहीं गए, ऐसे IIT के ट्रस्टवर्दी बंदे हैं, भागने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं, तो फिर बंदे के दिमाग में सो चीज़ें आ जाती कि ऐसा ना हो जाए, कि वैसा ना हो जाए। अरे आंटी ने तो ना हद ही कर दिया, हद जिसको बोलते हैं, आज देखो इतना टाइम हो गया फिर भी वो आई नहीं है, अभी 7:30-8 बजे आ जाती है। और पता है सबसे गलत बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, ये चीज़ मुझे बहुत वो लग रही है। फाइनली उनका फ़ोन आ गया जिन्होंने शिफ्टिंग करनी है, तो सिक्योरिटी से बात होगी। मैं आई मामी से मिलने, मामी को बोलूँ मेरी थोड़ी हेल्प करा दो, क्योंकि भारत सारा वो काम करवा रहे हैं, तो मामी मेरे साथ होगी तो मुझे अच्छा लगेगा। यार लिफ्ट से जा रही हूँ, लिफ्ट आई नहीं, दूसरी वाली में जाऊँ, लेट आ नहीं रही पर आ गई। चलो चलते हैं नीचे, मेरे को लिफ्ट में बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों, ये थोड़ी खुली है इसमें इतना नहीं लगता, बट मेरे को लिफ्ट में लगता है डर। और मैं घर लॉक करके नहीं आया, ऐसे कुंडी लगा के आ गई हूँ एंड मामी से मैं मिलने आई, मामी को पूछने, मामी कह रही मैं आती हूँ। हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, इतना तूफान आया ना रात को, कल साफ़ करी थी तो मुझे लगता नहीं अभी तक साफ रहेगी, क्योंकि मिट्टी तूफान से वो हो गया होगा। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आज फाइनली, मतलब जैसे हमारा रूम खाली होगा तो वार्डन मैम जैसे साइन करके आ फॉर्म आ जाएगा, तो ऑफिशियली हम लोग इसको खाली कर देंगे। भैया बाहर रीडिंग ले, यहाँ से पूरी रीडिंग हमारी ले ली भैया ने, इधर से सब रीडिंग वीडिंग लेके हमारा हो जाएगा चेकआउट। कैसा होता है ना, इंसान आता है फिर जाता है, इस घर को जैसे मैं संवारती हूँ, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखोगे, नई जगह जाने की खुशी तो होती है बट पुरानी जगह की यादें बहुत होती हैं, और इस जगह की यादें तो ना ऐसे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती आपके सामने। इसको भी उठाओ, ये ना मुझे धुलना है जूता, मगर ये ना पता पहनने के लिए सही रहेगा, बाकी मैं पैक वैक करा के भिजवा दूंगी। ये सामान कुछ भी पैक नहीं करना, ये सारा सामान हमारा इधर ही रहेगा, ये कर लें याद से, क्योंकि फिर जब नई जगह पे जाते हैं ना वहाँ पे फिर छोटी छोटी चीज़ भी खरीदनी पड़ती है। इसको इधर रखती हूँ, और ये वाला गद्दा ना मैं सोच रही हूँ कि जाते रहे मैं मामी को ही दे दूँ, क्योंकि सारा सामान चला जाएगा तो हमारे लिए गद्दा तो होगा ना पीछे से बैठने के लिए। वो ना मतलब मामी का नीचे ना से मम्मियों का जैसे, कल मैं उसको सामान दे रही थी नीचे, अरे बेटा नहीं मैं दो ऐसे मालिश का मेरा 300 रुपया रहता था, तो अभी नहीं मैंने वो 300 रुपया अपने से लेना नहीं है, और ये अंगूठी रख लो, और सब लोग मुझे डांट रहे थे कि तुमने ना मामी ने जो तुम्हें अंगूठी दी तुमने वो क्यों नहीं रखी, तो मैं आज मामी की ना वो जो रिंग है वो रख लूँगी, और भले ही उनको उसके बदले कुछ दे, मुझे अच्छा लगता है यार मैं किसी की चांदी की चीज़ रखूँ, वो भी बार मतलब। पर आप सब बोल रहे कि नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं दिखूँगा भी आज अंगूठी दो मुझे, तो मैं उनकी अंगूठी रख लूँगी और संभाल के रखूँगी, क्योंकि वो मुझे बोल रही थी कि मेरी निशानी है, क्योंकि उसके पास तो मेरी बहुत सारी निशानियाँ हैं, तो बोल रही थी मेरी निशानी। और मैंने मामी को ना मेरा जो करवा चौथ का सूट था जो मैंने मेहंदी के टाइम पर डाला था पिंक कलर का, वो भी मेरी मामी को दी, मैंने पहले बोला था मामी मैं आपको दूंगी ज़्यादा टाइम, लेकिन मुझे ये भी था कि मेरे साथ ज़्यादा टाइम काम कौन कराएगा, ये वो मुझे लगा था, जो मेरी हेल्पर है वो आएंगी, ऐसा नहीं कर सकती, तो या तो उनकी तबीयत ख़राब है कुछ ऐसा सीन है,
या मुझे पता नहीं क्या है, बट फोन भी नहीं उठा रहे। उनका बेटा उठा रहा है ना, जानी उठा रही है उसका फोन, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। हम लोगों ने टाइम दिया था 10 बजे का, कि 10 बजे के अराउंड हमारा जो घर है वो शिफ्ट कर दीजिएगा, लेकिन भैया आए हैं 10:32 पे, क्योंकि आ तो वो आई थिंक 10:05 के अराउंड थे, लेकिन वो सिक्योरिटी वगैरह चेक इन वगैरह करना पड़ता है, मेरे को इतना वो हो रहा है ना। ये है कार्टन उनका, पैक करने के लिए लाए हैं और सामान देख रहे हैं। एक्टिवा सबसे एंड में जाएगी हमारी, मैं सोच बोल के बाद एक्टिवा बेच दो, क्यों लेके जानी है, क्योंकि एक्टिवा के 5,000 ले रहे हैं लेके जाने का। भारत कहते कुछ बिकेगा नहीं मेरे घर में, मैंने कहा अच्छा जी। सबसे पहले पैक हो रहा है हमारा फ्रिज, और ये मैंने निकाल लिए। जी भैया नहीं तो पूरा खराब हो रहा है। आंटी कहाँ थे आप? है अरे हाँ, इतने फोन इतने फोन, मेरे को तो गुस्सा चढ़ रहा है ना। मेरे ट्रेन छूट गए तब सवारी से आए मेरी चक्कर में। हाँ मतलब इसे होते थे कि सवेरे मतलब आराम से गाड़ी पकड़ ले रहे। अब जल्द कवर है इसका, ठीक है कर दो। भी चुए चुए तो नहीं नीचे इसके। चाचा ये बड़े दरा भैया, नहीं नहीं ये नहीं खराब होता, गद्दा गद्दे नहीं होते, ये आधा खराब है ना। पर जब आया था ना एकदम पूरा राउंड था ये। अरे नया जब आया होगा हाँ। तो इसमें एयर नहीं होती है, थी तब खुलता तो एकदम से खुल जाता है, एयर थी। ये वो वाला नहीं है, ये वो पता नहीं, बाकी आपको पता होगा। नहीं वो जो लास्ट टाइम लेके आए थे ना भैया, वैसे दो करके इसको बांध दो रस्सी से। ये वाली रस्सी ले सकते हैं बांधने के लिए, है ना। हमारा ना चीनी वाला डब्बा पैक हो गया, तो आंटी चीनी लेने गई है। चीनी तभी तो बोल रही है आंटी आप रुक जाती है, हम लोग आपको खुद से पैक करके रखते सामान। ये हमारा गद्दा पैक हो गया, ये सामान सारा पैक हो गया, पूरा बिखरा पड़ा है, अजीब सा लग रहा है यार। अभी थोड़ी सी चाय ले लो। आंटी ने मेरे चकले बेलन के पीछे पड़ गया आकर। देख लो बेटा, अरे उजाला है क्या फायदा, हमने नया ले लेना, नया जाके अच्छा अच्छा बढ़िया पहनो, उड़ो अच्छा खाओ पियो और आओ। चकला फूंक दिया तुमने, जला दिया। अच्छा तुम आई ना मेरे साथ काम कराने, तो नहीं आए ना मेरे साथ। अरे तो बेटा कोई आंध में फंस जाए रास्ता में तो क्या हो, शायद मतलब अभी हम सुकून थे तुम्हारे प्यार में, प्यार मिल गया, शायद रास्ते थे क्या हुआ रोटी में। ये हमारी लास्ट आखिरी चाय है आंटी, मेरे को ना आंटी मेरे को इतना इमोशनल कर रहे हैं, तो हमने तो खाना भी नहीं खाया ना सुबह से। मैंने कहा आंटी बिमले काम वाली मिलेगी तो उनको दे देना, कि हाँ मेरी आंटी पुरानी राय है, तुम उसको दे रहे थे तो वो लिया नहीं। लालची नहीं है, हम लालची नहीं है। ये हैंड वॉश भी ले जाना। नहीं वो भी ले लेना, दे लेना पैक करे ना। नहीं नहीं जी मैंने कहा बीच में क्यों डाल रहे हैं, फिर से इसमें लगेगा ये भी वो टूट गया। एक ये मैं लेके जाऊंगी गाड़ी में, विम हैंड वॉश एंड ये सब कुछ, और ये खाली है ये प्रीति के जूता, और ये भी गाड़ी में लेके जाऊंगी। ले लेना नहीं और क्या करोगे, देखो भैया कितना करती है ना। ठीक है खुश हो, अब खुश हो? खुश नहीं है इसलिए। क्यों मुझे गिफ्ट दे रहे थे आप कल, कहाँ है दो देख लो, मामी मेरे लिए गिफ्ट लाई है, सच मामी लाई हो, दो डाल दो। मामा मेरा मेरे लिए लेके आई थी झूठ की, चांदी का है वो, रजाई नहीं आएगी वो वाली रजाई, आ जाएगी क्या वो, नहीं आएगी ना इस पे तो नहीं आए, जानी वो चली जाएगी कैसे रोल से जाए, जैसे वो गद्दा के वैसे ही जाए।
300 रुपए देना था ना। आंटी लगा रही हैं झाड़ू, मैंने बोला कि आंटी झाड़ू लगा दो, घर एकदम साफ करके जाएंगे। चाहे आईआईटी में सरकारी कर्मचारी होते हैं पर फिर भी मुझे होता है कि नहीं हमारा जो घर है हम उसको साफ करके जाए। हाँ नहीं 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 हम करा के जाएंगे अपने, मैं साफ करके जाती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, मेरे को होता ही नहीं घर पूरा साफ चाहिए। घर हमारा पूरा खाली हो गया, गाड़ियों में लोड कर दी, दोनों अंटियां बची हैं और मेरी आवाज गूंज रही है। अभी हमने एक गद्दा रखा है जो मतलब जिसमें मैं मालिश वालिश करवाती थी वो वाला, तो बस बाकी सब चीजें चले गई हैं। हाँ ले पानी पी लेंगे ऐसे तुम ले जाओ। तो कल आए ले ले। ये हमने गद्दा रखा है और ये है गैस, आंटी लेके जाएंगी अभी, मैं उनको लिख के दूंगी सारा कुछ और पूरा हो गया खाली। देखो कितने इंसान आता है ना फिर। और ये मैं लिख रही हूँ आंटी के लिए सारा सामान, और ये दरी वगैरह रखी है, ये रखा है, बस एक ये तो देना है किसी को। एंड ये सब पूरा खाली हो गया। आंटी पोछा लगा देना, झाड़ू पोछा। और ये हमारा इंटरनेट का कनेक्शन, खाली घर में बैठ के ना बड़ा अजीब सा लग रहा है। ऐसे हम लोग आए थे तो निशा आंटी आए थे मेरे साथ और घर देखा था। हाँ मैंने कहा अच्छा है घर, भारत वाले छोटा सा नहीं, मैंने कहा नहीं ठीक है आईआईटी के अंदर है जैसा भी हो ठीक है। ऊपर हमारे लगे हुए जाले और तुरंत जब हम लोग आए थे तो फटाफट सेटिंग की, पूरे घर को सेट किया और आज जा रहे हैं तो ना बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब सारा कुछ चला गया तो अच्छा नहीं लग रहा। ये जो मैंने पीछे लगाया ना हैंगर वगैरह ये मैंने ऐसे रहने दिए। इसी के साथ ये मेरा आज का व्लॉग था जिस दिन का हम इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे लगता नहीं था पहले कि इतनी जल्दी हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता था ना हम तीन दो ढाई महीना सोच रहे थे, बीच में एक महीना, फिर 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। होने को पहले भी हो सकता था बट थोड़ा टाइम लग गया, इनका काम नहीं खत्म हो रहा था, पेपर वर्क नहीं कम्प्लीट था, आज फाइनली सब चीज़ें कम्प्लीट हो गई तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सब चीज़ें अच्छे से करके जा रहे हैं। नए शहर में जा रहे हैं, शहर तो पुराना ही है बट चीज़ें सारी नई होने वाली हैं। एंड आंटियों को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा, मालिश वाली आंटी, रमा आंटी, क्या नाम है तुम्हारा, मजाक कर, कौन सी आंटी, उर्मिला भी आपका नाम, अरे वाह। उर्मिला से मेरे को रमा आंटी पता है, मालिश वाली आंटी मामी पता है, मामी आपके नाम की सुनीता। हाँ दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। ये मेरे कैमरे के स्टैंड का वो स्टैंड वाला, मैं दादा साहब भी गए, हम लोग जा रहे हैं हॉल फॉर खाना खाने के लिए। तो वही बोलू गाड़ी की चाबी कहाँ है, तो वही बोल रही हूँ कहाँ रखी यार गाड़ी की चाबी, किधर गई, गैस गैस नहीं, ये करो बंद। आंटी अपने गैस उठा लिया और ये देखो ये गद्दा ना कोई नहीं लेके जा रहा, पहले बोल रहे थे मामी तुम बोल रही थी मैं ले जाऊंगी गद्दा, अब गद्दा भी नहीं लेके जा रही हो, कितना अजीब सा लग रहा है यार, अच्छा नहीं लग रहा। और इस दिन का इंतज़ार भी था बहुत बहुत ज़ोरों शोरों से, तो फिर मेरे को इतना बुरा जैसे क्यों लग रहा है यार। बहुत ऊपर को करा हुआ था ये वाली चीज़, ऐसा मुझे गुस्सा चढ़ता है ना उनके ऊपर, पता नहीं क्यों ये स्टीयरिंग इतना ऊपर को था, मेरी इतनी हाइट नहीं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता फिर। और बस आखिरी बार आईआईटी में गाड़ी चला लो, इसके बाद तो फिर बस यादें रह जाएंगी। और मैं बोली थी ना आपको जाने से पहले कि मेरे को हर एक मोमेंट जीना है, तो मेरे को हर एक मोमेंट जीना है यहाँ का, मैं सच्ची बहुत मिस करूँगी आंटी, सच्ची आप लोगों को बहुत याद करूँगी, ऐसा नहीं कि काम की वजह से जैसे मैं और आप लड़ते हो ना आंटी, अरे मेरे को या फिर तुम मेरे से मैं जब जब मैं याद कभी मुझे बुरा लगता है कि आंटी देखो मेरा काम नहीं करा रही, बट यार याद बहुत करेंगे बहुत ज्यादा। हाँ जब हम आएंगे रूम देखेंगे तो ताला लगा रहे, अगर कभी भगवान ने चाहा ना
हाँ वो कुछ अलग है। आपकी ड्यूटी कितने बजे तक है भैया? 12 तो वो मैंने लिख के दे दिया है, तो उनको रोकेगा ना, जाने दीजिएगा। सूट मैंने पहना हुआ है, दुपट्टा आंटी ने लिया हुआ है। दुपट्टा क्यों लेके आया आप? क्या कर रहे हैं? अरे और आंटी को नहा के मैंने बोला आंटी ये सूट आपको मैं दे दूंगी, तो फिर वो इसलिए मैंने मतलब आंटी ने दुपट्टा ले लिया। मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है कि बिना धोए ही मैं दे रही हूँ, बट आंटी कहीं मैं खुद से धो लूंगी, कोई बात नहीं, तो मेरे को दे दे। खाओगे आप? चलो आप क्या खाओगी? अरे खुशी खिला लेना, चलो अच्छा खुशी से खुशी से खुश तो जा ही रही, रूम छोड़ ही रही हूँ। आज से प्यार हमारा हमारा दूर दूर का हो गया। फोन हम लोग बैठेंगे यहाँ पे और अभी भारत का फ़ोन आएगा कि शायद वो मुझे आज ही एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे, सो मैं चली जाऊँगी मतलब विद इन फ्यू आवर्स, है ना, क्योंकि वो आएंगे फिर अपने दोस्त के साथ एक या दो दिन के अंदर, ऐसा प्लान बन रहा। बाकी भारत कह रहे हैं मैं एक घंटे में तेरे को कन्फर्म बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, इसलिए मेरी मतलब टाटा बाय बाय ही है फाइनल वाली। यहाँ से ऑर्डर किया है दाल चावल बटर मिक्स राइस, मामी को मैंने बोला था आप आ जाओ, मामी कह रहे मेरे लिए पैक करके ले आना जो भी कुछ खाओगे, तो मैं सोच रही हूँ उनके लिए परांठा वगैरह ले जाऊँ। और मैं जाऊँगी, मुझे नहाना है, फिर मुझे नहा के थोड़ी सी रेस्ट करनी है। गद्दा तो अंदर पड़ा है ना आंटी, एक गद्दा पड़ा है, बाकी दरी वरी ले ली ना आपने, ठीक है, तो मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है क्योंकि थोड़ी मेरी बुरी हालत हो गई है शिफ्टिंग में ना, आपका दिमाग भेजा आपका शरीर पूरा जाता है। जब हम आए थे ना 2014 में, मतलब भारत आए, वो कमरा था आंटी भारत भैया का, वो सामने आए, वो सामने दिख रहा है, सबसे पहले इस हॉल में आए थे हम लोग, हॉल फोर में ये वाला, हाँ जी मैं वो लगी। हाँ अच्छा, अब आप आईआईटी तो आओगे ना, एक काम तो है ना आपका, सबक 1700 बड़े खुशी मान ही रहा है कि भगवान 3 महीने रहेंगे तो मेरे बत्ती का बिल निपट जाएगा। आज सब कुछ खाना माफ़ है, खूब अच्छे से दाल चावल बटा मिक्स राइस खाया, DCBM और 4 पनीर के परांठे ऑर्डर किए, 2 DCBM ऑर्डर किए, 4 पनीर के परांठे ऑर्डर किए। और ये हमारी स्नीकर जो कि अभी चेंज हो गई है, एक मेरी और एक आंटी की, अरे वो उधर ही रह गए। हम लोग आए हैं सिक्योरिटी सेक्शन IIT कानपुर, क्योंकि आंटी को जो मैंने सामान दिया है उस पर उनको मोहर लगानी होती है, ऐसे लेके नहीं जा सकते IIT से सामान, बहुत सारे रूल होते हैं। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग आ गए इधर को, भारत बोल रहे हैं देखो आज एक घंटे में बताता हूँ कि क्या बनेगा कैसे करना है, नहीं तो फिर मैं शाम को निकल जाऊँ। ऐसा लग रहा है ना कि मतलब 2:30 बजा है, अभी वॉक करनी है, फिर शाम को चाय बनाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे माथा टेकने, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। एंड बहुत कुछ दिल कर रहा है कहने को, बहुत कुछ इमोशंस हैं, बहुत मन कर रहा है कि रोऊं, बट फिर सोच रही हूँ प्रियंका इसी का नाम ज़िंदगी है आगे बढ़ना। बहुत सारी जगहों को मैंने छोड़ा है, बहुत सारी जगहों को, मेरा मायका है, हर चीज़ है, बट जो यहाँ का एहसास है ना वो नेक्स्ट लेवल है।